सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे BTUP के रीचेक का फॉर्म, जो कि 2024 के लिए किस तरीके से अप्लाई करें। जो अभी आप सभी का रिजल्ट आया है, उसमें आप सभी का स्कोर जो है काफ़ी डाउन है और किन्हीं न किन्हीं बच्चों का बैक है। ठीक है, जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को बताया था कि सिर्फ 35% ही रिजल्ट जो है सही आया है, यानी 35% बच्चे सिर्फ पास हैं। उसमें भी 35% में भी बच्चे अभी असंतुष्ट हैं। और आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि BTUP में कापी, समझ लीजिए, दो बार चेक होती है। जी हाँ दोस्तों, सही कह रहा हूँ। एक बार तो आपका रिजल्ट आता है, फिर जितना आप सभी का रिजल्ट आया रहता है उसका लगभग 70%, ठीक है, फिर से रीचेक कराया जाता है। तो ये हाल है हमारे BTUP बोर्ड का। फिलहाल नए स्टूडेंट और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, सबको समझना है कि रीचेक फॉर्म 2024 को अप्लाई किस तरीके से करना है, रजिस्ट्रेशन क्या प्रोसेस होगा, फीस पेमेंट का क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट दोनों का प्रोसेस अलग है। तो स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ों को मैं लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारी चीज़ों को एक एक करके देखते रहिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद रीचेक को लेकर के कोई और क्वेश्चन नहीं करोगे। उसके बाद आप सभी को बता दूं कि सभी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट, रीचेक का रिजल्ट, रीचेक का फॉर्म, रीचेक का फीस पेमेंट नोटिस, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमेशा इन्फॉर्म की जाती रहती हैं। सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले, कहीं ना कहीं आप सभी के साथ दिक्कत ना हो, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। या आप लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च करिए, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर 8000 के ऊपर ऑलरेडी मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो आप भी मेंबर बनिए और सभी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त कीजिए। इसी क्रम में आप सभी सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट सेम का रिजल्ट भी आ गया है, खराब आया है सही आया है, आपको फिर से अच्छी तैयारी करके सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा करने का मौका है। सभी ब्रांचेज के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, आराम से महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं इन 49 रुपीज़ में। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके लगे हाथ बता दूं कि नोट्स का बेनिफिट क्या है। आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका यही से सारा काम हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, इस नोट्स के बाहर आप सभी को कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। बस आप नोट्स से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, बिल्कुल नॉर्मल हिंदी में सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा मिलेगा आपको। और अगर आप सभी मेरे ब्रांच से बिलोंग करते हो, यानी फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हो, मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, BTUP एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका फिफ्थ सेमेस्टर से प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा, इन 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके। तो चलिए रीचेक फॉर्म को लेकर के आप सभी के साथ चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले हम नोटिस को देखेंगे, सारे स्टेप जो नोटिस में दिए होंगे उसको देखेंगे, फिर प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से डेस्कटॉप पे आपको एक एक करके स्टेप अप्लाई करना है। तो वीडियो मुझे लगता है लंबा होगा, लेकिन बहुत ही फायदेमंद होगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि रीचेक का फॉर्म रिजल्ट आने के 1 हफ्ते से 10 दिनों के अंदर आ जाता है। तो आप सभी का रीचेक का फॉर्म बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो उसके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन रहें, जैसे ही आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा। और ये नोटिस है ये ओल्ड है, और आपको जो अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा वो भी ओल्ड है, लेकिन 2024 में जिस तरीके से होगा या बीते 2-4 सालों में जिस तरीके से हो रहा है, प्रोसेस सेम रहता है। तो क्यों ना पहले प्रोसेस को हम लोग अच्छी तरीके से देख ले। तो चलिए फटाफट से एक चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं। आपको वेबसाइट जहां पर आपने रिजल्ट चेक करा है वहीं पर उपलब्ध लिंक होगी, मैं अभी लिंक भी दिखाऊंगा, पूरी तरीके से दिखाऊंगा। वहां पर स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको 3 चरण में आपको अप्लाई करना है। स्क्रूटनी और रेवोल्यूशन का आवेदन करने के उपरांत छात्र विषय में स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन के चेक बॉक्स पर चयन करेंगे, और चेक बॉक्स पर चयन करके, ठीक है, आप जितने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद सेव एंड प्रिंट बटन के माध्यम से आवेदन का प्रिंट सुरक्षित कर लेंगे, ठीक है। उसके कंप्लीट होने के 24 घंटे के बाद ही आपको फीस पेमेंट करना होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि तुरंत फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, 24 घंटे के बाद यानी 48 घंटे के बीच में आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा,
ठीक है, और 3 दिनों के अंदर आपको कर लेना होता है, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन शुल्क का भुगतान करेंगे, ठीक है। किसी भी विषय में स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन में से किसी एक विषय का चयन किया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप स्क्रूटनी या कराइए या रीचेक कराइए यानी रिवोल्यूशन कराइए, ठीक है। ये नहीं है कि आप दोनों करा सकते हैं। चलिए नोटिस में आगे बने रहिए, देखते हैं और क्या है। अगर आप सभी स्क्रूटनी कराते हैं, स्क्रूटनी का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, जो आपकी कॉपी होती है, कॉपी के ऊपर हर एक क्वेश्चन का नंबर रहता है, यानी पहले क्वेश्चन में 15 नंबर का था, 10 नंबर का था, तो उसमें से आपने कितना नंबर पाया है वो सिर्फ चेक होगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया गया है। अगर आप रीचेक कराते हैं, रेवोल्यूशन कराते हैं, तो 500 रुपये लगेगा, उसमें आपकी पूरी कॉपी चेक की जाएगी, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा कि रीचेक और रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उसको लेकर के आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बाकी आपके सामने है, आप आराम से क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जब कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे ट्रांजेक्शन होने के बाद, ठीक, प्रिंट के बाद, तो आप किन्हीं 4 विकल्पों से आप इसका भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड्स हैं वो भी देख लीजिएगा आप। इसके पहले बता दूँ कि लॉगिन जो होगा एनरोलमेंट नंबर और आपके जन्मतिथि से होगा, ठीक है। और आप ये सब इंसर्ट करने के बाद जो भी है चीज़ें करेंगे, बहुत इजी प्रोसेस है, मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो इन सब मेथड्स आप सभी जरूर यूज करते होंगे, UPI, डेबिट कार्ड सब कुछ है। अगर वो भी नहीं है तो आप SBI ब्रांच से जाकर के पेमेंट चालान के माध्यम से भी आप भुगतान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाले सारे ऑप्शन होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि UPI में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए डेबिट कार्ड से ज़रूर पेमेंट कीजिएगा। अगर आपका कहीं पेमेंट रुक जाता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, ज़रूर इस पर कॉल कीजिएगा। जल्दी लगेगा नहीं, लेकिन अगर आपका पेमेंट वगैरह कुछ दिक्कत है तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पूछते हैं बच्चे, पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट अपने संस्थान प्रधानाचार्य को जमा करेंगे, यानी अपने टीचर को ले जा करके प्रिंट आउट बैक पेपर का जमा करेंगे, तभी आपका काम होगा, ठीक है। किसी भी पेमेंट को लेकर के बैंक से अगर दिक्कत आ रही है तो बैंक पे जाइए, या ठीक है अगर वैसे कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, क्योंकि इसके लिए BTUP कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बाकी ये पिछले साल का है, तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, डेट अभी आप सभी के लिए नई आएगी, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आप सभी को स्टेप। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए लिखा है आप सभी के सामने, अगर आपने मोबाइल नंबर ऐड किया है तो आपका पुनर्मूल्यांकन काम वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा और आपका नंबर 0 कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टेप के ऊपर चलते हैं आप लोगों को लेकर। आप रिजल्ट वाले सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा, जहां पर व्यू आउट सेमेस्टर रिजल्ट वगैरह दिख रहा होगा, व्यू रिजल्ट आउट सेमेस्टर 2022 यहाँ दिख रहा है, 2023 दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो नीचे देखिए लिखा है फिल स्क्रूटनी रिवोल्यूशन फॉर्म December 2022, ठीक है, और नीचे नोटिस है। तो जिस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा आगे आप सभी को दिखाते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर फिल कीजिए और डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, जैसे आपने रिजल्ट अपना चेक किया। उसके बाद का प्रोसेस देखिए, जैसे एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे आपका लेटेस्ट जो रोल नंबर होगा वो आ जाएगा, ब्रांच कोड आ जाएगा, मैकेनिकल एनरोलमेंट नंबर साइड में शो करेगा, ये मेरा ही है सचिन कुमार उपाध्याय, फादर का नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, कौन सा आपका इंस्टीट्यूट है ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है। वैसे मेरी कभी अभी तक बैक नहीं आई है आप सबके आशीर्वाद से, लेकिन हमने आप सभी को दिखाने के लिए ही ये सारा प्रोसेस किया था, वो भी लास्ट ईयर, ठीक है। जैसे ही आप सभी नीचे वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका इधर कुछ इस तरीके से आएगा, एक तरफ स्क्रूटनी लिखा रहेगा, एक तरफ रेवोल्यूशन, जिस पर क्लिक करेंगे जितना भी सब्जेक्ट में कराना होगा बहुत ध्यान से सब्जेक्ट के आगे टिक करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप स्क्रूटनी करके चले आते हैं और बाद में कहेंगे सर ये हो गया मेरा, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं आप सभी को, ठीक है, कि जितने भी फॉर्म को जितना भी सब्जेक्ट कराना है एक बार में ही क्लिक करना है, अन्यथा आप सोचिए कि एक क्लिक करके फिर सबमिट करके अगले करें, तो ऐसा नहीं होता है, यही सबसे ज़्यादा गलती होती है मेरे प्यारे साथियों, इस बात का आप सभी ध्यान रखें कि ये गलती ना करें। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके इस बात को आप सभी को शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए बहुत दिनों पहले ही वीडियो बना दे रहा हूँ, जिससे आप सभी देख करके अच्छे तरीके से समझ पाएं। जैसे उस पेज के सेव बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की रिसिप्ट आ जाएगी,
ये रिसिप्ट आपको कॉलेज में नहीं जमा करनी है, ठीक है, कॉलेज में अभी इसको नहीं जमा करनी है। अब आपको आफ्टर 24 आवर्स जो सबसे पहले आपने लिंक क्लिक करी थी, यानी आपके अप्लाई करने वाले लिंक पर ही क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, और पेमेंट करके दिन आपको रिसिप्ट को जमा करना है, ठीक है। वैसे अगर आप रिसिप्ट नहीं भी जमा करते हैं फिर भी आपका रिवोल्यूशन हो जाता है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इच्छा करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।